हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पेटीएम के बैंक अकाउंट के बारे में। सुबह के 6 बज रहे हैं और अभी अभी मेरा ये अकाउंट वेरीफाई हुआ है, यानी कि फाइनली मेरा पेटीएम में सेविंग अकाउंट खुल चुका है। तो कैसे इस अकाउंट को खोलना है और इस अकाउंट से जुड़ी कुछ जानकारी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले, अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हमारी ऐसे ही न्यू टेक्नोलॉजी से जुड़ी वीडियोज़ को देख पाएँ सबसे पहले। सो गाइस, पेटीएम में बैंक अकाउंट बनाने के लिए आपको पेटीएम का बीटा वर्जन डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है और आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और आप जब इस बीटा ऐप को इंस्टॉल करोगे तो आप देखोगे कि आपकी स्क्रीन कुछ ऐसी दिखाई देगी, जिस पर एक ऑप्शन होगा पेटीएम पेमेंट बैंक इज हेयर। आपको सिर्फ प्रोसीड पर क्लिक करना है और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली आपको बैंक अकाउंट बनाने के इंस्ट्रक्शंस की तरफ ले जाएगा। तो जब आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे गाइस, तो एक पासकोड मांगेगा जो आपको खुद सेट करना है और उसको कन्फर्म करना है, ताकि आप अपने अकाउंट को एक पासवर्ड लगा सकें। उसके बाद आपका पैन नंबर मांगेगा, इसके लिए पैन कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपना पैन कार्ड डाल दीजिए, या फिर आपसे आधार कार्ड भी मांग सकता है, लेकिन मेरा आधार कार्ड वेरीफाइड है इसलिए इसने नहीं मांगा। तो आप अपना आधार कार्ड भी डाल सकते हैं, पैन कार्ड भी डाल सकते हैं, और दोनों जब आप डाल लोगे तो उसके बाद आपकी KYC डन होनी चाहिए। आपने अगर पेटीएम में अभी तक KYC डन नहीं कराई है तो गाइस प्लीज़ अपनी KYC डन करा लीजिए, क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और ये काफ़ी हेल्पफुल है। तो आफ्टर दैट, जब आप पैन कार्ड डाल लोगे तो उसके बाद आपके पास ये दो ऑप्शन आ जाएंगे, आई वांट टू ऐड अ नॉमिनी नाउ और आई डू नॉट वांट टू ऐड अ नॉमिनी। नॉमिनी आप जैसा कि जानते हैं कि अगर आपको कुछ हो जाता है तो जो भी बैंक अकाउंट में बैलेंस होगा वो किसके पास जाएगा। तो अगर आप नॉमिनी वाला ऑप्शन चुनेंगे तो आपको इतनी सारी डिटेल्स डालनी पड़ेगी, और अगर आप आई डू नॉट करोगे तो ये डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएगा जहाँ पर लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर सेविंग अकाउंट्स विल बी ओपन इन अ फ्यू मिनट्स। आफ्टर दैट, ये आपको एक स्क्रीन लॉक लगाने के लिए बोलेगा, जो कि मैं अभी नहीं लगा रहा हूँ, आप लगा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद ये आपको दिखाएगा कि कैसे आप स्क्रीन लॉक लगा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको दिखाएगा कि प्रोसेसिंग, आपका मतलब एप्लीकेशन इन्होंने ले लिया है और अभी उस एप्लीकेशन को प्रोसेस कर रहे हैं, और जब ये प्रोसेस कर लेंगे तो आपका अकाउंट खुल जाएगा। सो गाइज, लेट देम प्रोसेस। सो फाइनली गाइज, दो दिन के बाद मेरा अकाउंट प्रोसेस हो चुका है और आखिरकार प्रोसेसिंग ख़त्म हुई और मेरा अकाउंट खुल गया है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये अकाउंट कैसे दिखाई देगा। गाइज, बहुत दिनों से प्रोसेसिंग दिखा रहा था, एक्चुअली 2 या 3 दिन हो गए थे आई गेस। तो इसके लिए मैंने उनको कंप्लेंट करा पेटीएम वालों को, और उसके बाद उन्होंने मेरी कंप्लेंट रजिस्टर भी की, और उसके बाद गाइज 1 दिन बाद मेरा ये प्रोसेस ख़त्म हुआ है और आखिरकार मेरा सेविंग अकाउंट खुल चुका है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको एक डेबिट कार्ड मिलेगा जो कि है एक रुपे डेबिट कार्ड, जो हालांकि इतना अच्छा नहीं है, बट स्टिल ये अब हर चीज़ों में काम आ रहा है और हर जगह इसका ऑप्शन मिल जाता है, वरना कुछ इंटरनेशनल वेबसाइट हैं जहाँ पर आपको रुपे का ऑप्शन नहीं मिलेगा। और आप जैसा कि देख सकते हैं, मेरे सेविंग अकाउंट में भी 0 रुपीज़ हैं, और आप अगर डिटेल्स यहाँ पर चाहें अपने अकाउंट की, तो आप अपने अकाउंट की भी डिटेल्स देख सकते हैं। जब आपका अकाउंट खुल जाएगा तो आपको वहाँ पर IFSC कोड, आपका फ़ोन नंबर और आपके अकाउंट टाइप कैसा है, आप यहाँ पे नॉमिनी भी ऐड कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जो कि मैं ब्लर कर चुका हूँ। और अगर आप फिक्स डिपॉजिट देखेंगे तो आप फिक्स डिपॉजिट पे जब क्लिक करेंगे तो आपको दिखाएगा कि जब भी आपके अकाउंट में 1 लाख रुपये से ज़्यादा पैसा जमा हो जाएगा तो ये उसको डायरेक्टली ऑटोमेटिकली फिक्स डिपॉजिट की तरह जमा कर लेगा, क्योंकि इसकी ये कुछ लिमिट्स हैं इस ऐप की, क्योंकि इसने ये फीचर एक प्राइवेट बैंक के साथ टाई अप करके अपने ऐप में इंटीग्रेट किया है। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि आप वो भी अपना ये नया अकाउंट खोल पाएँ, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हैव अ गुड डे गाइस।